कई बार ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाया, लेकिन कुछ चटपटा और बढ़िया खाने का मन भी करता है। तो आइए, जब ऐसा आपके साथ भी हो तो बनाएं ये रेसिपी। एक कढ़ाई ले लें, उसमें डालें एक बड़ी चम्मच बेसन। बेसन को धीमी आंच पे भूने जब तक उसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, उसकी बहुत अच्छी सौंधी सौंधी भुनने की खुशबू नहीं आ जाती। इसको कढ़ाई से निकाल लें और अब डालें कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच सरसों का तेल। इतनी आसान रेसिपी और इतनी झटपट बन जाती है कि किसी को नहीं पता चलेगा कि आज आपका खाना बनाने का मन नहीं था। अब इसमें मैंने डाला था जीरा, अब 1 बड़ी शिमला मिर्च और 2-3 जो भाजी मिर्ची होती है ना मोटी वाली, जो ज़्यादा चरपरी नहीं होती, वो डाली है। साथ में अब इसको सीजन कर देंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, हींग के साथ, और सारे मसालों को हाई फ्लेम के ऊपर, मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर भून लेंगे ताकि जो मसाले हैं सब्जी में अच्छे से मिल जाएं। हमें इस सब्जी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, ये जब खाने में हल्की हल्की कचान आती है तो बहुत टेस्टी लगती है। पराठे के साथ आप इसे इंजॉय करें, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होती है। दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ में अब डालेंगे अमचूर पाउडर और भुना हुआ बेसन, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे। और अब बारी आती है इसके अंदर 1 नींबू का रस मिलाने की। 1 नींबू का रस मिलाएं या जैसा आपको खटास पसंद हो उस हिसाब से मिलाएं, क्योंकि हमने अमचूर भी डाला है। तो है ना झटपट सी रेसिपी। अब गैस बंद कर दें और ढक के इसको 2 मिनट स्मर कर दें और हमारी चटपटी सी झटपट बनने वाली सब्जी दाल चावल या पराठों के साथ खाने के लिए तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।